हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रिसर्च के मीनिंग, डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो अनुसंधान है वो कितने प्रकार का होता है। ये एमएड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नेट के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का टॉपिक है। मानव की प्रगति में रिसर्च का विशेष योगदान है और रिसर्च के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। ये जो उत्तर है ये मानवीय प्रयास के ऊपर आधारित होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब तक मनुष्य चांद पर नहीं गया था, वो चांद के बारे में सिर्फ कल्पना कर सकता था। फिर मनुष्य चांद पर गया, वहाँ से चांद की मिट्टी लेके आया, फिर उसकी स्टडी की, रिसर्च की। उसके बाद मनुष्य को पता चला कि वास्तव में चांद क्या है, कैसा है। इस प्रकार रिसर्च के द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। रिसर्च के द्वारा समाज से संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और रिसर्च के द्वारा नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात की जाए तो मेनली रिसर्च टू टाइप्स की होती है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है फंडामेंटल रिसर्च या मूलभूत अनुसंधान, और जो सेकंड है वो है अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक अनुसंधान। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च या मूलभूत अनुसंधान किसे कहा जाता है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक तथ्य, नियम और सिद्धांतों की खोज की जाती है। इस प्रकार की रिसर्च से सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित खोज, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज पर अधिक जोर दिया जाता है। फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसके द्वारा कि ज्ञान की वृद्धि होती है। फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत रिसर्चर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, उन निष्कर्षों के माध्यम से किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी या नहीं। इस प्रकार की रिसर्च के द्वारा सिद्धांतों के खोज करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक अनुसंधान किसे कहा जाता है। इस प्रकार की जो रिसर्च होती है उसमें व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान का लक्ष्य स्पष्ट रूप से उपयोगितावादी होता है। ये जो रिसर्च की जाती है वो उपयोगी होती है। इसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उनको तुरंत ही उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान समय की किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यवहारिक अनुसंधान किए जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च से जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत प्राप्त होते हैं उनको वेरीफाई अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च से प्राप्त सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्च की जाती है, जो व्यवहारिक अनुसंधान किए जाते हैं, उनसे नए नियम और सिद्धांत बनाने में सहायता मिलती है। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।